Hello students, welcome again at the Biozoom live platform. Myself Dr. Poonam, आपके सामने एक बार फिर आए हैं बायो का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, और वो टॉपिक है क्लास प्लस टू का, जो आपके बोर्ड में सिक्योर करेगा 3 मार्क्स. प्लस टू क्लास के अलावा ये टॉपिक आपका 10th में भी, बोर्ड में भी इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से टॉपिक को समझना. और ऑलमोस्ट आज इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी बेसिक ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कंप्लीट कर लेंगे. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म प्लस टू क्लास की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है. तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है उसका पहले बेसिक समझते हैं बेटा. बेसिक लेके उठाते हैं इसको 9th क्लास से 10th क्लास से, क्योंकि ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट हो जाता है. सबसे पहले आता है इसमें व्हाट इज रिप्रोडक्शन. Reproduction means it is the inherent ability of all the organism to reproduce. अगर हम हर एक basically अगर हम metazoons की देखें, तो जो metazoons हैं, अब आपको ये question आएगा दिमाग में कि what is metazoon. चलते हैं एक बार पहले. Reproduction is shown by all the metazoons. What are metazoons? Basically, metazoons are the organism that are unite to form the animal kingdom. इसका मतलब एक पॉइंट आपको आज नया क्लियर हुआ है, जो आपको पता नहीं होगा कि व्हाट इज मेटाजोन. मेटाजोन के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिन्होंने मिलकर के एनिमल किंगडम को बनाया है. अब एनिमल किंगडम बोले तो कहां से स्टार्ट हो गया आप, एक अमीबा से भी. अमीबा है बैक्टीरिया, इट मींस यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर से लेकर के जो मोस्ट एडवांस्ड ह्यूमन बीइंग है वहां तक के सभी एनिमल किंगडम के मेंबर्स मेटाजोन में आते हैं. वेरी गुड, एक नया पॉइंट आपने क्लियर किया. तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन इज शोन बाय ऑल द मेटाजोन्स. What is reproduction? Reproduction क्या है? It is the fundamental characteristics of a living organism. सभी के सभी living organism, basically कौन सी? Eukaryotic cells. क्या prokaryotic cell reproduce नहीं करती? ये question आपके लिए है, इसको थोड़ा ढूंढना और मुझे comment box में इसका answer देके बताना कि क्या प्रोकैरियोटिक सेल, कुछ कुछ आंसर मैंने बोल भी दिया है लाइन में, उसको दोबारा सुनना आप, क्या प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रोड्यूस नहीं करते? अगर करते हैं तो वो कैसे करते हैं? अगर आंसर ना मिले तो मुझे फिर कमेंट में आंसर पूछना मुझसे, हम मैं वेट करूंगी आपका. चलिए रिप्रोडक्शन की हम बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं. तो क्या है बेटा? इट इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर एक पेरेंट डिवाइड होकर के, अब एक पेरेंट में भी क्वेश्चन में अर्थ है कि ऑलवेज एक ही पेरेंट होगा, इसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे कि एक ही पेरेंट है या टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन आगे दो टाइप का हो जाता है. ओके, मूव करते हैं आगे. तो इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जिसकी वजह से एक पेरेंट डिवाइड होकर के अपने ऑफस्प्रिंग्स को बनाता है. तो वो बेसिक डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की. अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो अर्थ के ऊपर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन गोल होता है अपने ऑफस्प्रिंग्स को, मींस अपने जीन्स को जितना ज्यादा हो सके इवोल्व करना, पब्लिश करना, उनको सिक्योर करना और उनको उतना ही ज्यादा फ्लरिश करना इस अर्थ के ऊपर. चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं. जी अब हम सबसे पहले रिप्रोडक्शन के चैप्टर की स्टार्टिंग में पहले, तो व्हाट इज लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन क्या है? नॉर्मल नेचुरल बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का टाइम पीरियड जो है वो लाइफ स्पैन बताता है. एक बार फिर अगेन रिपीट कर रही हूं, लाइफ स्पैन क्या है? नॉर्मल बर्थ से लेकर के नेचुरल या नॉर्मल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है वो लाइफ स्पैन के अंडर आता है. वेरी इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएं तो लाइफ स्पैन पूछा जाता है, पूछा भी गया है. लाइक पैरेट का लाइफ स्पैन पूछा गया था नीट के अंदर. जी तो लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन
एक नॉर्मल नेचुरल बर्थ से लेकर के डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसको लाइफ स्पैन हम बोलते हैं। वेरियस स्टेजेस आती हैं लाइफ स्पैन के अंदर जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जी, सबसे पहले तो एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं बेटा, लाइफ स्पैन नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैसे कि जो ऑर्गेनिज्म का साइज है वो साइज कभी भी लाइफ स्पैन को डिटरमाइन नहीं करता कि जिसका बड़ा साइज है उसका लाइफ स्पैन बड़ा होगा, नहीं। क्रो का एंड पैरेट का चेक करना लाइफ स्पैन में कितना डिफरेंस है, चिंपैंजी का, ह्यूमन बीइंग का, मंकीज का, एप्स का चेक करना लाइफ स्पैन में कितना डिफरेंस है, लेकिन साइज ओवरऑल ऑलमोस्ट सेम है। ओके, अब हम आते हैं स्टेजेस ऑफ द लाइफ स्पैन के अंदर कि एक लाइफ स्पैन में कितनी कौन सी स्टेजेस होती हैं। हम डायरेक्टली इस पे नहीं आते हैं, पहले इसको हम डिवाइड करते हैं कि ये जो स्टेजेस हैं ये कैसे बनी थी। अगर हम मेटाजोन्स की बात करें, सभी के सभी मेटाजोन, तो उनके लाइफ स्पैन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है, इट इज़ द प्री एम्ब्रियोनिक लाइफ स्पैन, प्री एम्ब्रियोनिक, एंड सेकेंड वन होता है, इसको प्री नेटल लाइफ स्पैन भी बोल देते हैं, और दूसरा होता है पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ स्पैन। वेरी गुड, इट मीन्स पोस्ट नेटल। प्री एम्ब्रियोनिक लाइफ स्पैन जो है वो है फ्रॉम जाइगोट टू द बर्थ तक, बस जब जाइगोट बना और बर्थ तक का जो टाइम पीरियड है वो प्री एम्ब्रियोनिक लाइफ पीरियड में आता है। ये जाइगोट की बात करें तो ऑब्वियसली जाइगोट कहां से बना था, इट इज बाय द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। ओके, एंड आफ्टर जाइगोट उसकी डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट के बाद में हम बर्थ भी कह सकते हैं, हम हैचिंग भी कह सकते हैं, तो वो सारा का सारा जो आपका टाइम पीरियड है वो प्री एम्ब्रियोनिक में आता है। पोस्ट एम्ब्रियोनिक के अंदर, पोस्ट एम्ब्रियोनिक मीन्स जिसको हमने पोस्ट नेटल बोला था, तो पोस्ट नेटल के अंदर जो लाइफ की स्टेजेस आती हैं, इट मीन्स आफ्टर द बर्थ, तो बर्थ के बाद में जो स्टेजेस हम डिवाइड करते हैं वो कौन कौन सी आती हैं, ऑब्वियसली जैसे कि जुवेनिलिटी लिख रखी है इसमें, मैच्योरिटी लिख रखी है, एजिंग है, एंड द डेथ है। डायरेक्टली अगर मैं एक और स्टेज बताऊं इसके बीच में इंटरमीडिएट, तो यहाँ पे आ जाता है, इट इज ऑल्सो इंक्लूड एजिंग एंड सेनेसेंस। ओके, व्हाट इज जुवेनिलिटी फेज, जुवेनिलिटी इज इंक्लूड बेसिकली ग्रोथ ऑफ द बॉडी, जिसमें बॉडी ग्रो होती है, जिसमें बॉडी अपने आप को अटेन करती है फॉर द रिप्रोडक्शन। दूसरा है मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी इज बेसिकली फॉर डूइंग अ रिप्रोडक्शन, एंड थर्ड जो है वो यहाँ पे एजिंग डाला गया है, एजिंग मेड स्लोली 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 डिटीरियोरेशन ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। ये बायोलॉजिकल नेचुरल फिनोमिना है कि आफ्टर द रिप्रोडक्शन जो मैच्योरिटी में हो जाता है उसके बाद में बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट हो जाते हैं। आप एग्जाम्पल उठा के देखिए, चाहे एनिमल का उठा के देखिए, या फिर आप एग्जांपल फ्लावर्स का भी ले सकते हैं। जैसे ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, उसके बाद में उसके पेटल्स सेपल्स सारे के सारे गिर जाते हैं, दैट इज द एजिंग, जिसमें जो अट्रैक्टिव पार्ट्स थे वो सारे के सारे डिटेरियोरेट हो जाते हैं। ओके, एंड उसके बाद में एक छोटा सा स्टेप और आता है सेनेसेंस। मैं एक बात क्लियर कर दूं बेटा कि एजिंग एंड सेनेसेंस में बेसिकली क्या डिफरेंस है। एजिंग इज प्रोग्रेसिवली डिटीरियोरेशन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स दैट आर बेसिकली हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, एंड सेनेसेंस इज द इरिवर्सिबल चेंज ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो
अब दोबारा रिगेन नहीं हो सकते, वो कंप्लीटली डिटीरियोरेट हो जाते हैं। तो एजिंग फर्स्ट होती है, उसके बाद में सेनिसेंस होता है, एंड अल्टीमेटली नेक्स्ट और लास्ट स्टेप जो लाइफ स्पैन का है वो होता है डेथ होता है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमारे जो आते हैं लाइफ स्पैन के पार्ट, उसमें बेसिकली दिखाया गया है कि लाइफ स्पैन कहाँ से कितना मैक्सिमम तक होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उठा करके देखें तो फ्यू मिनट से फ्यू आवर्स तक कुछ माइक्रोब्स का होता है। ओब्वियसली इसके अंदर कुछ प्रोकैरियोट्स भी आते हैं और कुछ यूकैरियोट्स भी आते हैं। इसमें आपको बहुत सारे लाइफ स्पैन दिख रहे हैं, यू आर लिटिल बिट कंफ्यूज कि हम कितने शार्प माइंड है, कितना याद करें। तो आपको इसको थोड़ा थोड़ा सा मेजरमेंट के हिसाब से याद करना पड़ेगा कि जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लाइफ स्पैन, अब ये देख लीजिए यहाँ पे कि काऊ का है, बनाना ट्री का है, मॉन्कीज का है, एंड डॉग्स का। मॉन्कीज में मैं ये बता देती हूँ बेटा, ये वाला जो डाटा है, इस डाटा को अगर हम किसी और बुक से कंपेयर करते हैं, चिंपैंजीज का जो होता है वो चिंपैंजीज का इन मॉन्कीज वगैरह के इससे बहुत अलग होता है। जैसे इसमें मैन का 100 दिया हुआ है कुछ कुछ बुक्स में, जो अकॉर्डिंग टू द WHO रिपोर्ट ऑफ 1968 से लेकर 91 की जो WHO रिपोर्ट है उसमें मैन का 100 ईयर नहीं दिया हुआ, उसमें मैन का 68 ईयर दिया हुआ है। ओके, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि पैरेट का लाइफ स्पैन एक बार PMT में प्रीवियस में पूछा जा चुका है। आपको थोड़ा सा ये फोकस करना पड़ेगा कि लार्जेस्ट लाइफ स्पैन किसका है, स्कोविया का है, एंड द एक लेरेटिया इरिडेंटेडा जो प्लांट है उनका लार्जेस्ट लाइफ स्पैन है ऑन द अर्थ। इसको ओल्डेस्ट प्लांट भी माना जाता है, दैट इज फाउंड इन द कैलिफोर्निया। ओके, तो ये तो बेटा आपको थोड़ा सा लर्न करना ही है, इसमें जस्ट ऐसा कुछ नहीं है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। एक बार फिर सभी की सभी प्लांट एनिमल का जो लाइफ स्पैन जो हमने अभी डिस्कस किया था, उनमें से बेसिकली जो मैमल्स हैं या फिर बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग है उनकी लाइफ स्टेजेस को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में दी गई है इन्फेंट। तो इन्फेंटी स्टेज जो होती है वो कहाँ से होती है, फ्रॉम नेचुरल बर्थ से लेकर 2 ईयर तक। उसके बाद में चाइल्डहुड आती है, बेसिकली ह्यूमन बीइंग में जो होती है फ्रॉम 2 to 10। तो इसका मतलब ये जो स्टेज है ये किस में आई है आपकी, इट इज़ फ्रॉम द अंडर द जुवेनिलिटी फेज। एडोलिसेंस जो है, टीनेज फेज जो है वो आपकी रहती है 10 to 20 ईयर। अर्ली अडल्टहुड इज फ्रॉम 20 to 40। इट मीन्स दिस आर बेसिकली अंडर द मेच्योरिटी फेज, एंड दिस इज द मिडल एज वेयर द एजिंग इज कंटिन्यू गोइंग ऑन, एंड दिस इज द ओल्डर स्टेज। अब ह्यूमन बींग के अंदर हम सेनेसेंस वर्ड जो है, क्योंकि वो बेसिकली सभी के लिए जो हमने अभी किए थे वो सभी के लिए इंक्लूड कर रखे थे, इंक्लूडिंग द प्लांट एंड एनिमल। यहाँ बेसिकली एनिमल या ह्यूमन बींग का फोकस किया गया, तो इसमें सीधा आपको ओल्डर एज दिया गया है, एंड दैट अल्टीमेटली लीड टू द डेथ पार्ट। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये NCERT का एक पेज है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, आपको इसमें पता होना चाहिए। विद डायग्राम दिया गया है, कुछ कुछ आपको यहाँ पे लाइफ स्पैन दिया गया है, ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, तो ये आपको रटना है। मे फ्लाई का जैसे 1 डे है इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, बनियान ट्री का है, ये वाला स्कोया ट्री का दे रखा है इसमें, तो ये पूछा जाता है भाई, ठीक है। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट बोले तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। पर्पज ऑफ द रिप्रोडक्शन, कि वाई द रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस ऑन द अर्थ। तो इसमें ये भी इम्पोर्टेंट स्टेप है फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें फर्स्ट दिया गया, कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी।
क्योंकि जो स्पीसीज हैं उन स्पीसीज की जो जेनेटिक मेकअप है उसको कंटिन्यू रखने के लिए, अपने जेनेटिक मेकअप को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल. और अगर किसी स्पीसीज का रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता तो अल्टीमेटली वो स्पीसीज अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाती है. तो इसके लिए भी रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है. नेक्स्ट होता है पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द अर्थ. अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, पॉपुलेशन के नंबर को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो पॉपुलेशन डे बाय डे डिक्रीज होती रहती है एंड अल्टीमेटली इट गोज़ टू द एक्सटिंक्शन. और नेक्स्ट आता है इट्स आल्सो नेसेसरी फॉर द वेरिएशन. और अगर हम पीछे का डिकेड्स का रिकॉर्ड उठा के देखें तो जो स्पीसीज कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस कर रही हैं तो उनके अंदर वेरिएशन के चांसेस आते हैं. व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 10th पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द 11th 12th पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको वेरिएशन का रियल मीनिंग ही नहीं पता होता. तो व्हाट इज वेरिएशन, एक बार हम इसमें देख लेते हैं बेसिकली कि वेरिएशन कैसे आती है. अगर हम कंसेप्ट उठा के देखें रिप्रोडक्शन का तो इसमें इफ वी, क्योंकि वेरिएशन इज बेसिकली इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एज वेल एज द एग. यू नो द जेनेटिक मेकअप बिकॉज द स्पर्म आर हैप्लोइड या इट हैविंग द 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम ओनली एज वेल एज द एग ऑल्सो कंटेन 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम इट ऑल्सो हैप्लोइड बट द ह्यूमन बींग इज डिप्लॉयड. तो इस डिप्लॉयडी नंबर को मेंटेन करने के लिए दे अगेन फ्यूजेस एंड दे अगेन फॉर्म द 2N. क्या वेरिएशन हुई? यस, हिडन वेरिएशन है. कैसे? कि जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम स्पर्म के अंदर प्रेजेंट थे वो एक सिंगल सेट थे. आउट ऑफ द 46 ओनली 23 क्रोमोजोम विद डिफरेंट करेक्टर. आउट ऑफ द 23 क्रोमोजोम ऑफ मदर ओनली 23 क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन द एग एंड दे ऑल्सो ऑफ द डिफरेंट करेक्टर. वैन दे यूनाइट सो अगेन रेंडम अरेंजमेंट होता है और उन दोनों करेक्टर में रेंडम डिसीजन होता है कि आने वाले ऑफस्प्रिंग के अंदर कौन से करेक्टर एक्सप्रेस करेंगे. तो एंड दिस ऑफस्प्रिंग इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द फादर एज वेल एज द मदर सो इट लीड टू द वेरिएशन. So in this way, every offspring is little bit advanced, more advanced than their parents. Yes, we are the advanced version of our parents. Yes. So this is all continuously going on and every generation is the superior copy of their parent copy. Yes. And next is the life maintenance. लाइफ के अंदर अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, अपने जो अस्तित्व है उसको मेंटेन करने के लिए भी जो रिप्रोडक्शन है वो ज़रूरी होता है ऑन द अर्थ. ओके, अब हम आते हैं पहले बेसिक फीचर्स ऑफ द रिप्रोडक्शन. मैं एक बार फिर आपको रिकॉल कर दूं ये वाले जो स्टेप्स हैं, एक बार नीट में पूछे गए थे, आप एक बार चेक करना इनको. इनमें से पूछा गया था विच ऑफ द बेसिक फीचर इज नॉट ऑफ द रिप्रोडक्शन. तो आपके सामने ये दिख रहे हैं, बहुत ईजी दिख रहे हैं, लेकिन जब आपको 4 ऑप्शन में दिखा जाता है तो यू आर लिटल बिट कन्फ्यूज्ड. लेकिन कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन में बेसिक फीचर्स या स्टेप कौन कौन से होते हैं एंड दैट आर नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्शन. फर्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ आरएनए. हाउ करते हैं एक बार इसको, कैसे एक सेल रिप्रोड्यूस करती है. लाइक दिस इज एनी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. लाइक वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल. So you are smartest, so you know
that a eukaryotic cell have a nucleus, and the nucleus there having the DNA, and DNA is in the form of chromosomes, and I am showing only one chromosome. तो जब reproduction होती है तो ये जो इसके अंदर nucleus के अंदर जो chromosome है ये divide हो जाते हैं, cell division हो जाता है. कैसे होता है? अब DNA को ऐसे तो है नहीं कि जो DNA है हमें equal DNA दोनों के दोनों बनने वाली offspring में transfer करना है. तो इसका मतलब अगर एक chromosome है तो उससे दो बनाने हैं हमें, तो इसका मतलब हमें chromosome का content double चाहिए. तो इस क्रोमोसोम का कंटेंट डबल कैसे आएगा? तो इसका मतलब क्रोमोसोम इज ऑब्वियसली मेड अप ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन. एंड ये कहां से आया? इसको बनाने के लिए जरूरत प्रोटीन. ऑब्वियसली प्रोटीन कहां पे बनता है? प्रोटीन फैक्ट्री इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. हाउ द प्रोटीन इज फॉर्मड आपको पता है? हु इज द प्रोटीन फैक्ट्री? ऑब्वियसली इट इज make over the ribosomes with the help of tRNA, with the help of mRNA. I am not going in the detail of the transcription and translation. I am just telling the basis of the reproduction and formation of protein. So, protein banane ke liye sabse pehle mRNA banta hai. Aur ye jo mRNA hai, ye kahan banega? Within the nucleus. ये mRNA जो बना है ये कहाँ बना है भाई? न्यूक्लियस में. और न्यूक्लियस में बनने के बाद में mRNA जाएगा साइटोप्लाज्म में, और जैसे ही साइटोप्लाज्म में गया इसको पकड़ लेता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बैठा है राइबोसोम. राइबोसोम अपने साथ tRNA की हेल्प से इस मैसेंजर RNA को चेंज कर देगा. किसके अंदर? प्रोटीन में. अरे ऐसा क्या जादू है भाई इसके पास? ऑब्वियसली जो tRNA है वो कैच करता है अमीनो एसिड को. टी मीन ट्रांसफर RNA. ट्रांसफर किसको करेगा? अमीनो एसिड्स को. तो जो tRNA है वो अमीनो एसिड को जोड़ता रहता है और एक tRNA की चेन बन जाती है, जिसको ही सॉरी अमीनो एसिड की चेन बन जाएगी, और उसी चेन को हम बोलेंगे प्रोटीन. तो इस तरह प्रोटीन बनता है. ये प्रोटीन फिर न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है सेल डिवीजन के टाइम ब्रेक हो चुकी होती है. तो ये अगेन एंड अगेन रेप्लिकेट करता है, और जो हमारा सेल का कंटेंट है एज वेल एज जो न्यूक्लियस का कंटेंट है वो सारा का सारा डिवाइड हो जाता है, और एक जो पेरेंट सेल थी वो पेरेंट सेल डिवाइड होकर के दो ऑफस्प्रिंग के अंदर बन जाएगी. तो इस तरह बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्शन है. तो ये स्टेप सारे दिए गए हैं. ऑब्वियसली सिंथेसिस ऑफ द आरएनए. यस, सबसे पहला मैसेंजर आरएनए बनता है भाई. उसके बाद में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है. हमने स्टेप में देखा कि मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के लिए प्रोटीन बनाएगा, वो डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, फिर न्यूक्लियस का एज वेल एज द सेल का डिवीजन होगा, फिर सेल अपने आप को ग्रो करेगी. पेरेंट ये जो आपको सेल दिख रही है ये सेल एज इट इज पेरेंट कॉपी जितनी बड़ी हो जाती है. एंड उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव यूनिट. रिप्रोडक्टिव यूनिट बनने के बाद में न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑफस्प्रिंग्स बन जाते हैं. एंड दिस इज द बेसिक स्टेप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन. चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन. तो टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन में आपके सामने दिख रहे हैं दो टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, नो गैमेट, इसीलिए इसको ए गैमेटोजेनेसिस भी बोला जाता है. एंड ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सेम, इसीलिए देयर इज no any variation. लेकिन best part क्या होता है? It is faster as compared to the sexual reproduction. कोई variation नहीं होती, लेकिन number of the offsprings का number भी हमेशा ज़्यादा रहता है asexual reproduction में. asexual reproduction का ही जो part है आगे जाकर के हम detail में vegetative propagation भी पढ़ेंगे.
कई कई बुक्स में इसको सेपरेट बताया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो बेसिकली प्लांट्स के अंदर इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें ऑब्वियसली टू पेरेंट्स का इन्वॉल्व होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन अगर इसके हम स्टेप्स लिखें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, तो ऑब्वियसली गैमेटोजेनेसिस, फर्स्ट इज द गैमेटोजेनेसिस एंड उसके बाद में होता है ट्रांसफर ऑफ द गैमेट्स। तो इसमें हम प्लांट्स के केस में जैसे पॉलिनेशन भी बोल देते हैं, तो सेकंड इज द ट्रांसफर ऑफ द गैमेट्स, और गैमेट्स ट्रांसफर के बाद में होता है फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन, एंड फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूजन के बाद में इम्प्लांटेशन होता है एंड फिर डेवलपमेंट होता है और फिर उसके बाद में बर्थ होता है। गैमेट्स बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, ऑब्वियसली दो डिफरेंट पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दो जेनेटिक वेरिएशन भी आते हैं, स्टेप लॉन्गर होता है, बेस्ट स्टेबिलिटी होती है नेचर के अंदर, तो इसीलिए नेचर ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नेचर के अंदर एक्सेप्ट किया है। तो मोस्ट ऑफ द जो मेटाजोन्स है दे रिप्रोड्यूस बाय द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ये फर्स्ट स्टेप है इट इज द रिप्रोडक्शन बाय द बाइनरी फिशन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट आता है। तो बाइनरी फिशन को अगर हम देखें तो बाइनरी फिशन मीन्स कि इट इज द डिवीजन ऑफ ए सिंगल पेरेंट इनटू द टू ऑफ स्विंग्स, तो इसको हम बाइनरी फिशन बोलते हैं। तो नॉर्मली जो हर एक बुक के अंदर पढ़ाया जाता है बाइनरी फिशन फर्स्ट टाइप में पढ़ाया जाता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो ये क्या है, इट इज द टाइप ऑफ द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू द टू आइडेंटिकल कॉपीज या टू डॉटर कॉपीज एंड दीज डॉटर कॉपीज आर सेम आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। स्ट्रक्चर आपके सामने है, दिस इज ए सिंगल पेरेंट, डीएनए डिवाइड हुआ, डीएनए डिवाइड होने के बाद में सेल वॉल डिवाइड होनी स्टार्ट हो गई एंड अल्टीमेटली दिस सिंगल पेरेंट इज डिवाइड इनटू द टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिशन, कॉमनली 10th से पढ़ते आए बेटा। बाइनरी फिशन जो है इट इज ऑल्सो शोन बाय अमीबा, इट इज शोन ऑल्सो बाय द बैक्टीरिया। हम जो ऑब्जेक्शंस वगैरह है इसमें वो हम आपको अभी बताएंगे। जी बेटा, अब आते हैं हम रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप ए सेक्सुअल का, दैट इज बाइनरी फिशन। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बाइनरी फिशन के अंदर जो पेरेंट बॉडी है वो दो इक्वल ऑफस्प्रिंग्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, सिंपल बात। अब थोड़ा एडवांस लेवल पे करते हैं कि व्हाट्स द टाइप ऑफ बाइनरी फिशन जो आपको नॉर्मल नहीं मिलता पढ़ने को, एडवांस पढ़ाते हैं बेटा आपको। तो जो बाइनरी फिशन है, बाइनरी फिशन आगे फर्दर फोर टाइप्स का होता है। कौन कौन से फोर टाइप्स हैं? पहला है सिंपल बाइनरी फिशन। सिंपल बाइनरी फिशन के अंदर जो पेरेंट बॉडी है वो इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी रेंडमली, कोई भी प्लेन ऑफ डिवीजन हो। आपको सिंपल एग्जांपल मस्ट याद करना है, सिंपल बाइनरी फिशन इज ऑब्जर्व्ड इन अमीबा। अगेन रिपीट करते हैं, सिंपल बाइनरी फिशन इज ऑब्जर्व्ड इन अमीबा। ओके, सेकंड टाइप है बाइनरी फिशन का, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन के अंदर नाम खुद इंडिकेट कर रहा है कि जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो लेंथ वाइज होता है एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन युगलीना। एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूं एग्जांपल, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन का एग्जांपल है युगलीना। ओके, नेक्स्ट मोड ऑफ बाइनरी फिशन इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, जिसके अंदर प्लेन ऑफ डिवीजन ट्रांसवर्स रहता है। तो एग्जांपल इसमें है पैरामीशियम एंड प्लेनेरिया। याद रखिएगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन का जो एग्जांपल है वो पैरामीशियम एंड प्लेनेरिया है। और एक और है बाइनरी फिशन का मेथड ऑफ डिवीजन, दैट इज
ऑब्लिक बाइनरी फिशन. ऑब्लिक बाइनरी फिशन इज ऑब्जर्व्ड इन सिरेटियम, जिसके अंदर प्लेन ऑफ डिवीजन ऑब्लिकली रहता है. ओके, एक मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है बाइनरी फिशन के बारे में, दैट इज बाइनरी फिशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज जनरली नोन एज इमोर्टल. क्यों? एक ऐसा मेथड बाइनरी फिशन का जो जिसके अंदर पेरेंट कभी डाई ही नहीं होता, तो वो है बाइनरी फिशन. कैसे? एक पेरेंट था, एक पेरेंट डिवाइड होकर के टू इक्वल बॉडीज के अंदर चला गया. इसका जो डीएनए है वो डीएनए डिवाइड हुआ, टू इक्वल बॉडीज के अंदर ट्रांसफर हुआ. तो इसका मतलब द डीएनए कंटेंट द पेरेंट नेवर डाई. सो इसीलिए दिस मेथड ऑफ डिवीजन इज नोन एज इमोर्टल. एक बार फिर रिपीट करते बेटा, बाइनरी फिशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द फोर पार्ट. फर्स्ट इज द सिंपल बाइनरी फिशन, नेक्स्ट इज द ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन एंड ऑब्लिकली बाइनरी फिशन. फर्स्ट सिंपल बाइनरी फिशन का एग्जांपल इज अमीबा. प्लेन ऑफ डिवीजन रैंडम होता है, कहीं से भी डिवीजन हो जाएगी इसके अंदर. नेक्स्ट इज द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन. लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन के अंदर एग्जांपल मस्ट एंड मस्ट है, दैट इज द युगलीना. ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के अंदर एग्जांपल मस्ट एंड मस्ट है क्या? फ्लैजिलेट्स आते हैं इसके अंदर, पैरामीशियम एंड प्लैनेरिया. और उसके बाद में है ऑब्लिक बाइनरी फिशन एग्जांपल सिरेटियम. ओके, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको लाइन याद रखनी है, दैट इज द बाइनरी फिशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज इमोर्टल बिकॉज द पेरेंट यूनिट इज इक्वली डिवाइडेड इनटू द टू ऑफस्प्रिंग्स. दिस मेथड के अंदर पेरेंट कभी डिवाइड नहीं होता. ओके, अब नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर चलते हैं, दैट इज द मल्टीपल फिशन. यस बेटा, अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारा मल्टीपल फिशन का, एंड दैट इज अमीबा. सरप्राइजिंग है, अमीबा को हमने बाइनरी फिशन में भी पढ़ा था और हमने अमीबा को सिंपल इरेगुलर बाइनरी फिशन में पढ़ा था. एक बार फिर मैं एग्जांपल अमीबा का लेके आई हूँ आपके सामने इन द मल्टीपल फिशन. तो मल्टीपल फिशन भी अमीबा में ऑब्जर्व होता है, इसका मतलब सेकंड टाइप है रिप्रोडक्शन का अमीबा के अंदर. इसके अलावा एक थर्ड टाइप और भी है, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम पढ़ते हैं मल्टीपल फिशन इन अमीबा भी फर्दर आगे सब टाइप का होता है. तो क्या टाइप है इसके? तो मल्टीपल फिशन इन अमीबा इज ऑब्जर्व बाय टू मेथड. फर्स्ट है इसके अंदर इंसिस्टेशन, इट इज इंसिस्टेशन. व्हाट इज दिस? इसके अंदर अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर अपने बाहर एक थ्री लेयर्ड सिस्ट वॉल डेवलप कर लेता है. सिस्ट वॉल जो इसमें दिख रहा है आपको वो इंसिस्टेड मेथड है. इसमें सिस्ट नहीं बनी है, अनसिस्ट है ये. लेकिन जो अभी मैं आपको फर्स्ट मेथड बता रही हूँ वो इंसिस्टेशन है, जिसके अंदर सिस्ट वॉल बनेगी. और ये कितनी लेयर होती है? थ्री लेयर होती है. कैसे होता है ये अब इसमें डिस्कस करते हैं एक बार हम. इसके अंदर जो अमीबा है वो अमीबा का न्यूक्लियस विद क्रोमोसोम एज इट इज रहेगा, लाइक ये है. और अमीबा अपने जो ज्यूडोपोडिया है उनको रिट्रैक्ट कर लेता है. जैसे कि अगर मैं ये बताऊं तो इसके अंदर जो अमीबा के ज्यूडोपोडिया है रिट्रैक्ट हो जाएंगे, अमीबा बिल्कुल राउंड हो जाएगा. इसके अंदर इसका डीएनए विद न्यूक्लियस एज इट इज रहेगा. उसके बाद बाहर में ये एक थ्री लेयर्ड सिस्ट वॉल डेवलप कर लेगा. इसकी वॉल के डेवलप होने के बाद में जो इसका क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्रोमेटिन मटेरियल डिस्पेयर हो जाएगा और ये ब्रेकआउट हो जाता है विद माइन्यूट ज्यूडोपोडियोस्पोर. तो इसके अंदर इंसिस्टेशन के अंदर जो अमीबा है वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को डेवलप कर लेता है और उनको हम बोलते हैं दे आर ज्यूडोपोडियोस्पोर्स.
ओके. एंड दिस इज द मेथड ऑफ पेरिनेशन कंडीशन में अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है. तो ज़ूडोपोडिया स्पोर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये ब्रेकआउट हो जाता है और नेचर के अंदर बहुत सारे अमीबा के ऑफस्प्रिंग्स निकल जाते हैं जिनको हम बोलते हैं ज़ूडोपोडियोस्पोर. मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, मल्टीपल फिशन जो अमीबा के अंदर हम पढ़ रहे हैं उसका फर्स्ट मेथड है इंसिस्टेशन, इन विच देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट वॉल दैट इज ऑफ थ्री लेयर. सिस्ट वॉल जैसे ही डेवलप करेगी जो अमीबा के ज़ूडोपोडिया है वो रिट्रैक्ट हो जाएंगे. रिट्रैक्शन के बाद में जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ज़ूडोपोडियोस्पोर. ज़ूडोपोडिया फेवरेबल कंडीशन आने के बाद में नेचर में लिबरेट हो जाते हैं और वो सेम वैसे ही होते हैं जैसे कि ओरिजिनल अमीबा था. ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं. सेकेंड जो मेथड है अमीबा का, मेथड ऑफ डिवीजन, एंड दैट इज द अनसिस्टेड मेथड और इसको हम बोलते हैं स्पोरुलेशन. ध्यान रखिएगा बेटा, जो इसके अंदर आपको दिख रहा है दिस मेथड ऑफ डिवीजन इज स्पोरुलेशन. स्पोरुलेशन में भी अमीबा जो है वो बाहर अपने बहुत सारे अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बना लेता है लेकिन इसके अंदर सिस्ट वॉल नहीं बनती. अमीबा के अंदर अमीबा एज इट इज रहता है जैसे इसके ज़ूडोपोडिया, इसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो फ्रेगमेंट में टूट जाता है. वैसे ही वो फ्रेगमेंट में टूटते हैं, इस ईच फ्रेगमेंट जो है वो खुद एक स्पोर की फॉर्म कर लेता है और ये ब्रेकआउट होने के बाद में यंग अमीबास जो है वो वहां से निकल आते हैं और इनका जो स्पोर केस है वो वहां से रिमूव आउट हो जाता है. तो एक बार फिर रिपीट करते हैं, मल्टीपल फिशन इन अमीबा इज ऑब्जर्व बाय टू मेथड. फर्स्ट इज द इंसिस्टेशन जिसके अंदर जो अमीबा है वो थ्री लेयर्ड सिस्ट वॉल डेवलप करता है एंड दिस थ्री लेयर सिस्ट वॉल इज टू प्रोटेक्ट द क्रोमेटिन मटेरियल. उसके बाद में क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो ब्रेकआउट हो जाता है और उसके बाद में बनते हैं ज़ूडोपोडियो स्पोर. सेकेंड मेथड जो है वो है स्पोरुलेशन जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं एंड इसके अंदर सिस्ट वॉल डेवलप नहीं होती. ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ मल्टीपल फिशन डिवीजन इन अमीबा. ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज द मल्टीपल फिशन इन द प्लाज्मोडियम. ऑब्वियसली प्लाज्मोडियम इज ए पैरासाइट दैट हेल्प इन ट्रांसमिटिंग या दैट हेल्प इन स्प्रेडिंग द मलेरिया. जी बेटा, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं मल्टीपल फिशन का एंड दैट एग्जाम्पल इज इन द प्लाज्मोडियम. सो प्लाज्मोडियम के अंदर जो मल्टीपल फिशन का जो केस हम देखते हैं वो हम पढ़ते हैं साइजोंट के अंदर. जो साइजोंट है वो साइजोंट इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग साइजोगोनी. साइजोगोनी कब ऑब्जर्व होगी? एंड इट इज इजिली ऑब्जर्व इन द लिवर के लिवर सेल्स एज वेल एज इन द आरबीसीज ऑफ द ह्यूमन. इसका मतलब जब साइजोगोनी चल रही होती है तो साइजोगोनी के टाइम भी हमें मल्टीपल फिशन देखने को मिलता है और यही रीजन है कि जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर जाता है. अगर ये हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल फिशन ना करता तो हमारी बॉडी की डब्ल्यूबीसीज ऑब्वियसली लिवर की कफर सेल्स इसको ग्रो ही ना होने देती है ना. अगर ब्लड में देखें तो ब्लड में डब्ल्यूबीसी और लीवर सेल के अंदर देखें तो जो कफर सेल्स होती हैं वो इस प्लाज्मोडियम को ग्रो नहीं होने देती. इसीलिए जो प्लाज्मोडियम बड़ा स्मार्ट है वो क्या करता है, मल्टीपल फिशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करता है. सो उसके अंदर भी सिंपल जो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो लिबरेट हो जाता है मल्टीपल पार्ट में और एक ही पेरेंट बॉडी से बहुत सारे डॉटर सेल्स रिलीज आउट हो जाते हैं. इसके अलावा अगर हम इसको देखें किसके अंदर, स्पोरोगोनी के अंदर, स्पोरोगोनी में भी सेम मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन जो है दैट इज ऑब्जर्व इन द स्टमक वॉल ऑफ द इन द फीमेल एनोफिलीज. तो वहां पर भी हमें मल्टीपल फिशन देखने को मिलता है. सो आपको दो ही एग्जांपल याद रखने हैं कि जो मल्टीपल फिशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो अमीबा में देखने को मिलता है. अमीबा में हमने पढ़ा है फर्स्ट, एंड जो फर्स्ट है वो क्या है, इंसिस्टेशन. दूसरी क्या है, दूसरी इज द स्पोरुलेशन और तीसरा जो है वो इट इज ऑब्जर्व इन द केस ऑफ द प्लाज्मोडियम पैरासाइट.
ओके इसके बाद में एक और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं दैट इज द प्लाज्मोटोमी। चलो करते हैं इसको एक बार डिस्कस, उससे पहले नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे रखा आपको कि बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। जस्ट कॉमन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल एक पेरेंट बॉडी से डिवाइड होकर के दो पेरेंट बॉडी में डिविजन हुआ और इसके अंदर मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एक ही बार डिवाइड होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस बार 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 डिवाइड होता रहता है बिकॉज इच हैव टू फॉर्म द वेरियस स्पोर्स। बाइनरी फिशन जो है उसके अंदर कोई रेजिड्यू नहीं बनता लेकिन इस बचता है, इसीलिए बाइनरी फिशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को बोला जाता है इमोर्टल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसीलिए क्योंकि इसमें कोई रिलेटिव नहीं बन रहा है, बच रहा, इसीलिए बाइनरी फिशन को इमोर्टल बोलते हैं। लेकिन मल्टीपल फिशन के अंदर उसका बाहर वाला आउटर स्पोर केस रह जाता है, अभी आपने पीछे वीडियो में देखा था, तो इसीलिए उसमें कुछ पेरेंट का पार्ट डिसअपियर हो गया, इसीलिए इसको इमोर्टल नहीं बोलते। ये नॉर्मल फेवरेबल कंडीशन में ऑब्जर्व होती है, लेकिन मैंने स्पेशली कहा था कि अमीबा जो है उसमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को बहुत फास्टली ग्रो करने के लिए, क्योंकि बाहर कंडीशन कैसी है, अनफेवरेबल, इसीलिए मल्टीपल फिशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अपनाया जाता है। बाइनरी फिशन जो है, बाइनरी फिशन से ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म इमोर्टल बन जाता है, और एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, अमीबा है, लेकिन मल्टीपल फिशन के अंदर जो एग्जाम्पल अमीबा अभी पढ़ा है हमने, दोनों के दोनों इंसिस्टमेंट है, और दूसरा कौन सा है इसके अंदर, स्पोरुलेशन, प्लाज्मोडियम में स्पोरोगोनी एंड साइजोगोनी दोनों के अंदर हमने इसको पढ़ा है मल्टीपल फिशन। सो इसके बाद में स्टूडेंट एक और भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बचता है सेक्सुअल का, और वो है हमारा दैट इज द प्लाज्मोटोमी। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था आपके सामने प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर डिस्कस करेंगे। तब तक वेट कीजिएगा, कितना वेट कर रहे हो एक बार कमेंट करके बताइएगा। इस पूरी की पूरी वीडियो में क्या आपके डाउट्स हैं, एक बार जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि सारे के सारे कमेंट्स को हम पढ़ेंगे, आपके कितने डाउट्स आ रहे हैं पूरी की पूरी वीडियो का, विजुलाइजेशन आपने किस तरीके से किया तो हम ये आपको ऑब्जर्व करेंगे। ओके सो इसके बाद में हमारा जो रहता है वो ये रहेगा मोड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उससे पहले हम करेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्दर कितने कितने इसके टाइप्स हैं। सो ये रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स आप सभी से, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को। हम एक बार फिर प्रेजेंट होंगे आपके सामने एक नई वीडियो लेके। थैंक यू।